दोस्तों नमस्कार, मैं एच एस यादव माजी हेड ऑफ इंडियन कैबिनेट डिवीजन सर्जेडियस ग्रुप। ये है मेरे साथी जो कि हमारे फेस देखते हैं और अपना मार्केटिंग देखते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हमारा एक मजबूत और विशेष अभियान किस तरीके से बनता है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है, जिस पर हमें गर्व है एक सर्जेडियस ग्रुप को और जिसको हम अपने यहाँ पे सचिव समझते हैं कि हम इस तरह का जरिया बना पाए। आइए दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में प्रकृति का अपार संपदा है। उस प्रकृति की संपदा में एक आता है हमारा आयरन ओर, जैसे कि आप लोग जानते हो कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, उसको पहाड़ों से तोड़ के उसको नॉन मैग्नेटिक रहता है, उसको मैग्नेट नहीं पकड़ता है, उसको शुद्ध रूप में करके प्रोसेसिंग करके में कैसा होता है, इसमें शुद्ध लोहे की मात्रा होती है और इसमें कोई प्योरिटी नहीं होती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं दूसरे प्लांटों में सड़ा गला लोहा गला के मार्केट से उल्टा सीधा लोहा लाएंगे, जंग लगा हुआ, पेंट लगा हुआ और जिसकी ताकत पहले से ख़त्म हो चुकी है उसको ये लोग ले जाके गला के और एक मेटल तैयार करते हैं, तो जिसका पहले से ताकत खत्म हो चुका है वो नए मेटल को भी ख़राब कर देता है। लेकिन हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो प्योर रहती है, ये आयरन ओर है, इसमें शुद्ध लोहा रहता है और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती क्योंकि लोहे की ताकत को शुद्ध करता है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि होता है इसको जब हम लोग स्टील के साथ में मिलाते हैं तो इसकी ताकत दोगुनी हो जाती है क्योंकि कार्बन पीएमटी को सुंदरता देता है। इन दोनों को जब हम मेल्ट करेंगे एक तकनीक के द्वारा, एक आधुनिक तकनीक के द्वारा अपनी फर्नेसों में, तो जो लोहा का जो एक लोहा तैयार होता है, जो उसका मेटल तैयार होता है वो एक अलग ही शक्ति का होता है। हम इस चीज़ को गर्व से कह सकते हैं कि दूसरी पीएमटी की अपेक्षा में हमारी पीएमटी में कई कई चार गुना लगभग उससे शक्ति ज़्यादा होता है। अब हम आपको दिखाते हैं हम अभी अपना ऑफिसर डिवीजन में जा रहे हैं, डिवीजन में आ चुके हैं।